जो पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम है। सोनीपत में रोडवेज कर्मचारियों की लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और रोडवेज कर्मचारी की मौत के बाद कर्मचारियों ने विरोध के तौर पर चक्का जाम करने का ऐलान किया और फिर यहां प्रदर्शन भी किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल हरियाणा में शहर शहर बसों के पहिए थमे हुए हैं। हिसार, पंचकुला, फतेहाबाद, जींद में बस डिपो से कोई भी बस बाहर नहीं निकली। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जगदीप की मौत पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। पिता की मौत से आहत उनके छोटे बेटे ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की कार्रवाई से रोडवेज कर्मचारी नाखुश हैं। वहीं रोडवेज का चक्का जाम होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें कि दिल्ली डिपो की बस को एक थार बार बार ओवरटेक कर रही थी। सोनीपत के कुंडली के पास चालक ने बस रोकी और उन्हें आगे पीछे गाड़ी चलाने का कारण पूछा। इस पर थार सवार युवकों ने चालक जगबीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिचालक घायल भी हो गया और पिता की मौत के बाद बुधवार शाम को बेटे संदीप ने भी जहर निकलकर मौत को गले लगा लिया। जुल्मियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जुल्मियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद। और सोनीपत के कुंडली में रोडवेज ड्राइवर की मौत के विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। तीन तस्वीरें आपको दिखा दें, हिसार, पंचकुला और फतेहाबाद से ये तीनों तस्वीरें, जहां पर जो तमाम रूट्स पर चलने वाली बसेस हैं, हरियाणा रोडवेज की सभी सेवाएं इस वक्त प्रभावित हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने की भी मांग की है। तो यमुनानगर और रेवाड़ी में भी कमोबेश वही स्थिति। सभी बसेस डिपो के अंदर ही खड़ी हैं, कोई भी बसेस नहीं निकाली गई, क्योंकि नाराजगी है हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स और अन्य स्टाफ मेंबर्स में। क्योंकि जिस तरह से एक पूरा हादसा, एक पूरी वारदात देखने को मिली थी। दो और तस्वीरें चरखी दादरी और कैथल से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश में ही यही हाल है और रोडवेज की बसेस खड़ी हैं डिपोज में, एक भी बस नहीं निकाली गई। नाराजगी है रोडवेज कर्मचारियों में कि उनके कर्मचारी के साथ किस तरह का सलूक किया उन थार सवार बदमाशों ने, जिन्होंने कुचल कर जगबीर की हत्या कर दी। और इस बात को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है रोडवेज के कर्मचारियों में। तो रोडवेज की बसेस इस वक्त डिपोज में ही खड़ी हैं और वहां प्रदर्शन हो रहा है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए और उन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और सोनीपत के कुंडली में रोडवेज ड्राइवर की मौत के विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम किया और इसका असर हिसार में भी देखने को मिल रहा है। हिसार में तमाम रूट्स पर रोडवेज बस सेवाएं प्रभावित हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। हरियाणा के सोनीपत इलाके के कुंडली में रोडवेज चालक जगबीर की मौत मामले को लेकर पूरे हरियाणा में आज चक्का जाम रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आप हिसार की देख सकते हैं। हिसार में भी लगातार नारेबाजी करके रोडवेज कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को कुंडली एरिया में एक जीप चालक द्वारा रोडवेज चालक को कुचलकर मारे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जीप चालक के साथ पहले बहस हुई थी, इसी बीच ओवरटेक को लेकर यह पूरा प्रकरण हुआ। बहरहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हिसार बस स्टैंड पर किस तरह का माहौल है। तमाम बूथ की अगर बात कर ली जाए, तमाम रूट्स की अगर बात कर ली जाए, हिसार से चंडीगढ़ की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, सिरसा की बात कर ली जाए, तमाम रूट्स पर एक भी रोडवेज की बस नजर नहीं आ रही है। रोडवेज बसेस को सामने की तरफ खड़ा कर दिया गया और एक तरह से स्ट्राइक पर तमाम कर्मचारी चले गए हैं। किस तरह का माहौल है और क्या कुछ इनकी मांग है, तमाम पहलुओं पर कर्मचारी नेतागण हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए क्या मांग है आपकी, क्यों इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? आज 3 दिन हो गए, न तो थार गाड़ी को नंबर ट्रेस किया गया, उन्होंने तारों को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया। हमारी ये मांग है जल्द से जल्द उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया। अब ये बताइए पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? और अगर डिपो की बात कर लीजिए, कितने बजे से कौन कौन सी बस सेवाएं प्रभावित है? ये बड़ी दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में आज पूरे
प्रदेश का परिवहन विभाग की एक भी बस सड़कों के ऊपर नहीं गई, क्योंकि पूरे का पूरा कर्मचारी आज हड़ताल के ऊपर गया है, स्वेच्छा के साथ गया है। आप ये बताइए, अब अगली रूपरेखा क्या रहेगी, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन नहीं है, चक्काजाम है और पूरे हरियाणा के अंदर है। हमारे स्टेट बॉडी के जो साझा मोर्चा है वो आगामी जो फैसला लेगा उसी पर ऑल हरियाणा में आगे रणनीति तैयार की जाएगी। क्या मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये कि हमारे जो जगवीर चालक है उनके जो दो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, मुआवजे की भी मांग है जी? हाँ जी बिल्कुल है जी, 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए मृतक के परिवार को और एक उसके घर वालों को नौकरी दी जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हिसार का माहौल है, तमाम कर्मचारी यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर मांग आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। कैंपर से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।